ग्राम बुचीपुर एक छोटा सा गांव है जहां मां महामाया निःसंतान दंपतियों को संतान का आशीर्वाद देने के लिए ही विराजमान हुई है, जहां सैकड़ों निःसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति हुई है। बता दें, बेमित्रा जिले के नवागढ़ ब्लॉक से महज 16 किलोमीटर दूर हाफ नदी के सुगम में तट पर बसा एक छोटा सा गांव ग्राम बुचीपुर, जो मुख्यतः कृषि प्रधान है, इसकी ऐतिहासिक एक धरोहर है। ग्राम बुचीपुर 18वीं शताब्दी में, यानी कि आज से लगभग 170 साल पहले, बुचीपुर में ओकारपुरी गोस्वामी नाम का मालगुजार हुआ करता था, जिनका मुख्यालय पेंड्री तराई था और वह उनकी मालगुजारी के अधीनस्थ जागरी का ग्राम था। वह माँ भगवती के उपासक थे, साथ ही संगीत में पारंगत थे। उनके एक मुखिया ठाकुर राम वर्मा, जिनका मूल निवास बुचीपुर था, ठाकुर राम वर्मा की दंपति संतान नहीं थी। ओकारपुरी और आम मुख्तियार ठाकुर राम वर्मा बस इन्हीं दो महान आत्माओं के त्याग, तपस्या और भक्ति का जो परिणाम है, वह महामाया धाम बुचीपुर के नाम से विख्यात हुआ है। एक बार ठाकुर राम वर्मा को माल गुजार की हवेली में सोते हुए स्वप्न आया कि बुचीपुर में हवेली के सामने महामाया की मूर्ति स्थापना करें और निःसंतान दंपत्ति श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करें। उक्त स्वप्न की सभी बातों को सुबह आम मुख्तियार ने माल गुजार को बताया। दोनों में सहमति हुई और तत्काल नवागढ़ के लिए बढ़े, जिसकी दूरी ग्राम बुचीपुर से लगभग 16 किलोमीटर है, जहां तालाब के अंदर देवी मां महामाया की मूर्ति थी, जिनको लेने के लिए शुभ मुहूर्त निकाल कर नवागढ़ आए। पूजा अर्चना के पश्चात मूर्ति को गाड़ी में आरूढ़ किया गया और आज आम मुख्तियार के संतान तो नहीं है, परंतु मालगुजार के वंशज आज भी मां महामाया की पूजा में यथोचित समय देते चले आ रहे हैं। जी, क्या नाम है, कहां से आए? मैं गंगाराम साहू, बालसन से। तो कहां पहुंचे अभी आप? अभी बुचीपुर आया हूं दर्शन करने के लिए। तो कोरोना काल में यहां क्या कुछ नजर आ रही, क्या कुछ व्यवस्था दिख रही है? व्यवस्था तो ये है कि मंदिर का पट तो बंद है ना, और चहल पहल बिल्कुल नहीं है कोरोना काल में, और जो भंडारा की व्यवस्था है वो भी नहीं है, और बाकी सब जो भी वो बंद है। शादी नवरात्र प्रारंभ हो गई है, तो कोरोना काल में कहाँ कुछ व्यवस्था करी है? कोरोना काल के नाम से यहाँ की व्यवस्था ये है कि कार्यकर्ता लोग अपने घर से भोजन कर रहे हैं, अपने घर से सब कुछ व्यवस्था कर रहे हैं। मंदिर समिति की तरफ से किसी प्रकार से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। मंदिर पट बंद है, दर्शन केवल सीसीटीवी कैमरा से हो रहा है, प्रसाद वितरण भी नहीं हो रहा है। कमेटी के अध्यक्ष श्री सुरेश वर्मा के द्वारा भी यह बात जानकारी दी गई है आसपास के गांवों को, बुचीपुर के सभी किसान भाइयों को, व्यवस्था के लिए यही व्यवस्था हुई है। और व्यवस्था के मान से जिस प्रकार से कमेटी के द्वारा तय किया गया है, उसी कमेटी के माध्यम से ये काम किया जा रहा है। शादी नवरात्र प्रारंभ होगा तो क्या कुछ व्यवस्था करेगी नवरात्रि में? कोरोना संक्रमण लगी शारदीय नवरात्रि पर्व में हमारे महामाया मंदिर समिति द्वारा सभी भक्त बंधुओं के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से मंदिर परिसर में चैनल गेट के बाहर दर्शन किया जा रहा है, और प्रसाद वितरण तो पूरा निषेध है। सैनिटाइजर की व्यवस्था है महामाया मंदिर में, सुबह शाम सैनिटाइजर किया जाता है और भक्तों को प्रसाद वितरण नहीं किया जाता, भोजन भंडारा बंद है, और हमारे जो कार्य ज्योति रक्षक कार्यकर्ता है वो अपने घर से भोजन प्राप्त करते हैं। यहाँ किसी भी प्रकार के भोजन भंडारा चाय की व्यवस्था नहीं की गई है। उमा शंकर दिवाकर की रिपोर्ट।